बिच्छू एंड ये भाई स्नेक असली का सांप भाई। लीगल है यहाँ पे ना, बैन नहीं है, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन नहीं कर रही यहाँ पे ना। गुड मॉर्निंग फ्रॉम थाईलैंड। तो भाई बैंकॉक आ गया हूँ और बैंकॉक के साथ साथ ना आवाज़ भी आ गई है भाई। और अभी टाइम हुआ भाई मॉर्निंग के 7:30। जो मैंने हॉस्टल बुक किया था यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दिखा रहा है, और भाई ऐसा कुछ इनका रेलवे स्टेशन है, बिल्कुल मेट्रो की तरह लग रहा है ना भाई। बैंकॉक का रेलवे स्टेशन तो बिल्कुल एयरपोर्ट की तरह बना रखा है इन्होंने, बहुत ही शानदार है। और यहाँ पर भाई टैक्सियाँ दिखने लगी अभी, चलिए पता करते हैं। भाई इनका राष्ट्रगान चालू हो गया अभी। यहाँ पे टुक्टो है भाई, इसको भाई बना तो सही रखे है बिल्कुल, देखना गाड़ियों के टायर लगा रखे है और सही बना रखे है भाई बिल्कुल यहाँ के टुक टुक। तो 200 भाई 180 में मान गया ये तो। भाई गुलाबी कलर की टैक्सियाँ दिखने लगी है यहाँ पे, तो देखो भाई भाई ऑटो वाले ने ना यहाँ पे उतार दिया, और यहाँ पे बहुत सारे ना हॉस्टल ही हॉस्टल दिखा रहा है। देखो भाई इस लाइन में पूरा हॉस्टल ही हॉस्टल है, इधर भी भाई होटल है, उधर भी भाई होटल है, मतलब पूरा ना आप देखो पीछे भी होटल है, हर जगह पे होटल ही होटल है भाई। और भाई रोड तो आपने देखे होंगे कितने सही बना रखे हैं, मतलब इन्होंने पूरे रस्तों पर फ्लावर ही फ्लावर लगा रखे हैं भाई, बहुत खूबसूरत बना रखा है। तो भाई हमारा हॉस्टल इधर ही है, चलिए चल के देखते हैं। वैसे तो बुकिंग कल की थी, बाकी आई होप सो। ये रहा भाई हॉस्टल, ये भाई हमारा हॉस्टल, और यहाँ पे देखो बहुत सारे हॉस्टल, एक यहाँ भी है। हेलो, आई हैव अ बुकिंग। आप लोगों को थोड़ा हॉस्टल दिखा देता हूँ भाई, अलग अलग कंट्रीज से लोग आए हुए हैं, और यहाँ पे लोकल सर्विसेज भी दे रहे हैं भाई। शूज़ के रैक्स अलग से बना रखे हैं इन्होंने, लगेज के अलग से हैं, एंड आई हैव टू रिमूव माय राइट। और अभी ऊपर जाना है भाई, वो व्हाट आई वांट टॉप बेड, थैंक यू। मॉर्निंग में वहां पे 8 बजे चेक इन किया था, और चेक इन करने के बाद ना भाई मैं रेस्टोरेंट वगैरह खाना खाने गया था, तो भाई मैंने घूमते घूमते ये वाला भी देख लिया, और भाई इनसे प्राइसिंग वगैरह पूछे तो भाई डिस्काउंट वगैरह करने के बाद इन्होंने भी बिल्कुल सेम ही प्राइस में दे दिया भाई, 150 बर्थ्स यानी कि इंडियन करेंसी में 420 रुपये के आसपास में भाई रोम है वैसे तो, और भाई सेम प्राइस में उससे कहीं ज़्यादा क्लीन मिल रहा है, तो क्या चाहिए और भाई हमें। चलो मैं आपको दिखाता हूँ भाई, ऐसा कुछ रूम है, और भाई हमेशा की तरह शूज़ बाहर उतारते हैं, और यहाँ पे ना बहुत सही तरीके से मतलब मेंटेन करके रखा है, बहुत साफ़ सुथरा है यहाँ पे, इट्स बेटर देन दैट। वहाँ से तो बहुत सही लग रहा है। ये वाला देखो भाई, ये वाला है मेरा बैकपैक, और दिस इज़ माय रूम, इट्स बेटर ना। और इधर है भाई वॉशरूम, द एटलीस्ट उससे तो काफ़ी बेटर है,
राइट। और भाई यहाँ पे है लॉकर सर्विसेज, अगर लॉकर में कुछ रखना चाहो तो रख सकते हो भाई, बस कंडीशन आपके पास लॉक होना चाहिए। तो भाई ये भी आप यूज़ कर सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। और इसी के साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे लॉन्ड्री सर्विसेज भी देते हैं ये लोग, देखो भाई 40 baht per kg विच इज़ लाइक सिमिलर लाइक वेंग व्यांग। और जो इनका ग्राउंड फ्लोर है, वैसे ये ग्राउंड फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं, तो इनके ग्राउंड फ्लोर पे इनका ऑफिस है ऐसा कुछ, जहाँ पे ये अपना प्लेन टिकट बस या बाकी जो एक्टिविटीज़ वगैरह रहती है ना वो सारी बुकिंग वगैरह करते हैं। और भाई ये है इनका गेस्ट हाउस का नेम, सैमसन फॉर यू हॉस्टल्स, जहाँ पे आपको इस तरीके की एंट्री मिलेगी। और जो एरिया पूरा भाई रेस्टोरेंट से भरा हुआ है, यहाँ पे वहाँ पे वहाँ पे, मतलब यहाँ पे अनलिमिटेड रेस्टोरेंट्स हैं, इधर भी ऐसा ही है भाई। और ये है भाई हमारी प्रॉपर्टी, फ्री वाईफाई, स्टोरेज रूम, मिक्स्ड रूम्स एंड सर्विसेज, लॉन्ड्री सर्विसेज, अदर एक्टिविटीज़ इफ़ यू वांट, देर इज़ ऑल्सो अदर एक्टिविटीज़। गुड इवनिंग फ्रॉम थाईलैंड बैंकॉक। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है, आज है मेरे ट्रिप का day 25 और थाईलैंड में है दूसरा दिन। कल ही मैंने बाय बॉर्डर थाईलैंड में एंटर किया था। तो भाई कल पूरी रात ट्रेन से ट्रैवल करने के बाद भाई मैं मॉर्निंग में आया था बैंकॉक, तो भाई मुझे ये वाला हॉस्टल मिला था बाद में। पहले मैं दूसरे वाले में गया था जो मैंने बुकिंग की थी, बाद में भाई हॉस्टल का नाम है सैमसन फॉर यू हॉस्टल, तो भाई मैंने इसमें चेक इन कर लिया था। और उसके बाद भाई 11-12 बजे मैं अपना नहा धो के आराम से सो गया भाई, रेस्ट किया, क्योंकि पूरी रात ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था इसीलिए। कि भाई गला बिल्कुल ठीक है, आवाज़ भी अच्छे से आ रही है और शाम भी हो गई है, तो अभी भाई अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढते। और भाई मैं आपको कुछ शाम को यहाँ की मार्केट दिखाता हूँ भाई, कि भाई मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ की मार्केट्स, आपको यहाँ के थोड़े बहुत आइडिया मिल जाएगा, थोड़ा बहुत प्राइसिंग्स का, किस रेट में क्या चीज़ें मिलती है। भाई ये वो रेस्टोरेंट है जहाँ पे मैंने मॉर्निंग में खाना खाया था, बेसिकली शेक, क्योंकि भाई पीछे वैसे तो एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है बट सिर्फ बोलने के लिए, उनके मेन्यू में सारी चीज़ें नॉन वेज हैं। तो भाई एक इंडियन रेस्टोरेंट भी मिला था, लेकिन ना उनके मेन्यू में ना बीफ वगैरह था, मतलब नाम ही ख़राब कर रहे हैं इंडियन रेस्टोरेंट का। तो भाई इसी वजह से फिर मैंने वापी भी खाना नहीं खाया, तो फिर मैंने क्या था अपना नॉर्मल से फ्राइड राइस और मैंगो शेक से काम चल गया। तो भाई मैं दिखाता हूँ आपको मार्केट कैसी दिखती है यहाँ की रात को। तो भाई बेसिकली ना इस स्ट्रीट पे, पूरी स्ट्रीट पे सिर्फ रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट है, और आगे तक रेस्टोरेंट है लास्ट तक, और इधर भी आप लोगों को दिख रहे होंगे भाई रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट है। इस स्ट्रीट पे भी सारे रेस्टोरेंट्स ही रेस्टोरेंट्स हैं। और भाई थाई फूड जैसा कि आप लोग देख रहे हो भाई बहुत फेमस है दुनिया में, स्पेशली जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए। और भाई सैलेड्स, फ्रूट चाट वगैरह मिल रही है। हॉस्टल का मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, मुझे जो हॉस्टल पड़ा है भाई 150 baht का पड़ा है, यानी कि इंडियन करेंसी में लगभग 450 rupees के आसपास। और अगर भाई आप प्राइवेट रूम की के लिए जाओगे तो भाई प्राइवेट रूम आपको पड़ेगा लगभग 600 से लेके 1000 baht, यानी कि इंडियन करेंसी में 1200 से लेके 2000 rupees में आपको ठीक ठाक मिल जाएगा। लग्जरी में जाओगे तो भाई कितना ही ऊपर चले जाओ, बहुत बड़े बड़े होटल्स भी है यहाँ पे। भाई इंडिया की तरह यहाँ पे भी आपको सड़कों पे इस तरीके से रेडियाँ मिल जाएगी खाने के लिए, जहाँ पे आई गेस ज़्यादातर नॉनवेज ही मिल रहा है। भाई मुझे ना जो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट किया था वो भाई इंडियन रेस्टोरेंट ने किया था, मतलब यार मैं बहुत होप से गया था कि भाई आज बहुत दिनों के बाद ना इंडियन स्टाइल खाना खाऊंगा, लेकिन वहाँ पे जाके उन मेन्यू में ही मतलब उन्होंने बाहर ही लगा रखा था यार बीफ वाला खाना, तो भाई मतलब उन्होंने नाम ही ख़राब कर रखा है इंडियन रेस्टोरेंट का, सीरियसली बता रहा हूँ। बस हेलो ब्रो, भैया भाई नेपाल से है और भाई ये इनकी शॉप है, यहाँ पे कुछ चीज़ें मिल रही थी तो भाई मैंने सोचा देख लेते हैं क्या क्या है। तो भाई बेसिकली डेकोरेशन वाली चीज़ें, कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है। और तो भाई एक मैंने एक तो ये लिया भाई, मैं हर एक कंट्री का लेता हूँ, और मैंने एक सनग्लास लिया है भाई ये वाला। भाई कैसे लग रहे हैं नए सनग्लासेस? सही लग रहे हैं ना भाई? ज़्यादा महंगे नहीं है यार, यहाँ पे इन्होंने सिर्फ 100 bucks के दे दिए, मतलब 250 rupees के ये मिला है, 40 bucks का यानी कि लगभग 100 rupees के आसपास। सही है यार, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, मैंने बाकी चीज़ें भी पता करी है भाई, बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं है। जो ये टी शर्ट्स वगैरह भाई 200-300 की। और भाई ये चीज़ें आपने देखी होंगी अगर आप बॉक्सिंग देखते हो,
तो भाई ये MMA फाइट वगैरह के लिए जो यूज़ होते हैं ना वो है, और ये सिर्फ और सिर्फ 300 बक्स राइट, 300 350, ये वाले भाई 350 के है भाई। थोड़े अलग लग रहे हैं, मतलब मैं तो नहीं पहन सकता ये चीज़ें, लेकिन बस आप लोगों को दिखा रहा हूँ भाई कि क्या क्या मिल रहा है थाईलैंड में इस तरीके के MMA फाइटर्स की शॉर्ट्स। बैंकॉक में बहुत ज़्यादा कुछ घूमने के लिए नहीं है, सिर्फ मंदिर वगैरह है यहाँ पे ज़्यादा, जो घूमने वाले बीचेस वगैरह वो यहाँ से बहुत दूर है। बैंकॉक में तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, कि कुछ मार्केट वगैरह दिखा रहा हूँ, कुछ प्राइसिंग्स वगैरह दिखा रहा हूँ भाई कि बैंकॉक कितना महंगा इंडिया से, और क्या क्या मिलता है भाई यहाँ पे खाने के लिए, वेजिटेरियन के लिए क्या क्या ऑप्शंस है इस तरीके से। मैं कल मॉर्निंग में ना आपको पूरा पूरा सिटी का टूर दूंगा, जहाँ जहाँ पे भी घूमने की जगह है ना मैं सारी जगह आपको घुमाऊंगा, क्योंकि मैं 2-3 दिन बैंकॉक में ही हूँ, और अच्छे से बैंकॉक को एक्सप्लोर करेंगे, फिर यहाँ से नेक्स्ट प्लेस पे जाएंगे पटाया। यहाँ पे देखो भाई, वहाँ पे हमने रेलवे स्टेशन पे भी देखी थी और भी बहुत सारी जगह पे देखी हमने इनकी फ़ोटो। और यहाँ पे भाई एक रिवर है, काफ़ी अच्छी रिवर है, मतलब वैसे तो ना यहाँ की एक और फेमस रिवर है जो कि लाओस से ही आई थी, हमने लाओस में भी देखी थी वो रिवर, मैंकॉक रिवर। यहाँ पे बेसिकली दो ही बड़ी रिवर आती है थाईलैंड में, एक मैंकॉक रिवर और एक और रिवर है उसका नाम नहीं पता है भाई। मेरे ना अभी तक के टोटल ट्रैवल में, मतलब मैं 5 कंट्रीज़ घूम चुका हूँ, ये मेरी 6th कंट्री है, तो अभी तक के ट्रैवल में ना ये पहली कंट्री है जहाँ पे भी लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है, लेफ्ट हैंड साइड ड्राइविंग होती है। दुबई, रशिया, चाइना, हांगकॉन्ग, लाओस, सभी में राइट साइड हैंड ड्राइविंग ही होती है, पर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ड्राइविंग होती है। और भाई मारुति की गाड़ी अब बहुत है यहाँ पे, मतलब स्विफ्ट भर के हैं। तो भाई यहाँ पे ना मुझे इंडियन एक रेस्टोरेंट दिखाया है, चलिए पता करते हैं भाई क्या क्या यहाँ पे मिल रहा है खाने के लिए। रोटियाँ देखी बहुत दिनों के बाद, वेरी ग्रेट, समोसे, वाह। वैसे तो इंडिया में खाने का मन ही नहीं करता, मैं कभी नहीं खाता, लेकिन यहाँ पे देख के अच्छा लग रहा है, पराठे। और भाई प्लेन रोटी मिल रही है हमें 15 बैट्स की, यानी कि लगभग 30-35 रुपए की। और अंदर चल के देखते हैं भाई क्या क्या है यहाँ पे। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें लग रही है और ऑलमोस्ट चीज़ें वेज ही लग रही है मुझे। हाँ, दिस इज़ अ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, ये सही है भाई, मसाला इंडियन फूड रेस्टोरेंट, सही है ना भाई। इंडियन रेस्टोरेंट भी मिल गया और प्योर वेज भी मिल गया, और क्या चाहिए ना। अंदर चलते हैं भैया। भाई म्यांमार से है, आप दोनों कहाँ से हैं? इंडिया। इंडिया में कहाँ से? मैं हरियाणा। हरियाणा में कहाँ से? मैं कैथल। कैथल, एंड आप? मैं इंडिया, अंबाला। अंबाला। चाइना में ना बॉलीवुड रेस्टोरेंट के बाद भाई आज इंडियन खाना मिला भाई, मतलब लिटरली 20 दिन के बाद भाई आज इंडियन खाना खा रहा हूँ। रोटी, राइस, दाल, मिक्स वेज और सैलेड भाई। और पीछे भाई देखो हिंदू टेम्पल भाई, बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए भगवान के, तो भाई करते ट्राई। मज़ा आ रहा भाई? बहुत मज़ा आ रहा है भाई। आपको? फुल नज़ारे भाई। फुल नज़ारे भाई, सही है। तो भाई चलो करते अपना डिनर भाई। बहुत टाइम के बाद इंडियन स्टाइल खाना मिल रहा भाई। भाई खाना बहुत बढ़िया था भाई, थैंक यू सो मच ब्रदर। क्या नाम है आपका? संतोष। संतोष भाई, थैंक यू भाई। आपका भाई? राजन प्रधान। और भाई आपका? हिमांशु भाई। अच्छा लगा भाई मिलके, फिर मिलेंगे भाई ऐसे घूमते फिरते। लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, पसंद नहीं आई तो डिसलाइक कीजिएगा भाई। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लेना भाई। कमेंट करके बताओ भाई वीडियो कैसी लगी यार, आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं भाई। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, कल मैं आप लोगों को घुमाता हूँ पूरा बैंकॉक सिटी। तब तक बाय बाय, टेक केयर।